हेलो क्लास नाइन्थ। देखिए बेटा, जहाँ तक हो गया था, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की कोई सोल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेट है या कितना डाइल्यूट है, या कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन का मतलब एक्चुअली होता क्या है। मैंने एक लोकल लैंग्वेज में गाढ़ा और हल्का का यूज़ किया था, तो उससे हम समझेंगे कि होता क्या है ये कॉन्सेंट्रेशन। ये हमने समझ लिया था, थोड़ा बहुत हमने देख लिया था। एक्टिविटी ये मैंने करने के लिए बोला था, अब उसको डिस्कस करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन से लिंक एक्टिविटी है ये, ध्यान से देखिए। टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन टू सेपरेट बीकर। दो बीकर में 50-50 ml पानी लेना है आपने। एड साल्ट इन वन बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड। एक में साल्ट ऐड करना है, एक में बेरियम क्लोराइड मिलेगा, नहीं तो शुगर आप ऐड करें, हाँ, और उसको कॉन्टिन्यूस स्टिरिंग करते रहेंगे उसकी, ठीक है ना। वेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, हीट द कंटेंट ऑफ द बीकर टू रेज द टेम्परेचर। भाई जैसे एक मैंने बताया था ना कि एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, सॉरी एक पॉइंट ऐसा आएगा, जैसे अभी हीट उठ करने वाली बात छोड़ दीजिए, एक टेम्परेचर एक पोजीशन ऐसा आएगा जब इसमें शुगर या बेरियम क्लोराइड या कुछ भी डालते डालते रहेंगे, एक के बाद वो घुलना ही बंद कर देगा। उस केस में आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको हीट करना, मतलब ऐसा कुछ करना कि 5 degrees centigrade इसका टेम्परेचर बढ़ जाए, और फिर उसमें डिजॉल्व करना शुरू कर देना है, तो फिर उसमें डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो वो मैंने सैचुरेशन पॉइंट बताया था कि सैचुरेशन सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, वो हर टेम्परेचर पे अलग अलग होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सैचुरेशन मतलब घोलने की क्षमता और बढ़ सकती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर वो आगे अभी डिस्कस हम करेंगे। देखो फिर लिखा क्या है, स्टार्ट एडिंग द सोल्यूट अगेन, फिर से ऐड करना आप शुरू कर दें। इज अमाउंट ऑफ द साल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर इज द सेम। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेम था कि नहीं था, वही जो मैंने ऊपर डिस्कस किया वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर ए सोल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व एज मच सोल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज सेड टू बी द सैचुरेटेड सोल्यूशन। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जैसे मैंने बिना 5 degree centigrade बढ़ाए हुए जितना डिजॉल्व कर पा रहे थे हम जितना सोल्यूट, वो उस टाइम पे उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहा था, एक फिक्स पॉइंट के बाद वो डिजॉल्व होना बंद कर देता। लेकिन अगर 5 degree हम बढ़ा देंगे तो कुछ सोल्यूट और डिजॉल्व हो जाएगा, कुछ सोल्यूट और इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, तो उस 5 degree centigrade बढ़ने के बाद उस टेम्परेचर पर सैचुरेशन पॉइंट उसका कुछ और होगा, ठीक है ना, और सोल्यूट हम ऐड कर पा रहे हैं, ठीक है ना। यही यहाँ वो बताने का प्रयास कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन द सोल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ऐसा हो जाए कि उससे ज़्यादा घुल ही नहीं रहा, तो उसे बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। एक नया टर्म आप देख लीजिए, आप अगर कोई आपसे पूछे कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो यही होती है कि द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब किसी सोल्यूशन की प्रॉपर्टी, वो अपने अंदर कितना सोल्यूट डिजॉल्व कर सकता है, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, मैक्सिमम कितना कर सकता है। क्योंकि द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब मैक्सिमम कितना डिजॉल्व कर सकता है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो उस सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी होती है। कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से पहले जो अमाउंट डिजॉल्व हो पा रहा था मैक्सिमम, सॉरी जो अमाउंट डिजॉल्व हो पा रहा था मैक्सिमम, वो उस टेम्परेचर पर उस सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी थी। ध्यान समझिए, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो कुछ अमाउंट बढ़ जा रहा है डिजॉल्व होने का, तो उस 5 degree centigrade बढ़ाने के बाद उस टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी कुछ और होगी, क्योंकि वो ज़्यादा सोल्यूट फिर डिजॉल्व कर ले रहा है अपने अंदर, ठीक है ना। तो हर टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी वेरी करती रहती है, ये मेरे कहने का मतलब था। कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क, ओके। अब ध्यान से देखें आप इसमें लाइन, मतलब लाइन बाय लाइन आप समझते चलिए, क्योंकि समझने वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा है इधर, है ना। इफ़ द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट कंटेंड इन अ सोल्यूशन इज़ लेस देन द सैचुरेशन लेवल इट इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड। अगर सैचुरेशन से कम है तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन उसको बोलेंगे। वॉट वुड हैपन इफ़ यू वेर टू टेक ए सैचुरेटेड सोल्यूशन एट ए सर्टन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। अगर कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ध्यान से देखिए, वॉट वुड हैपन इफ़ यू वेर टू टेक ए सैचुरेटेड, कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और उसको आपको दिया जाए कि आप इसको कूल करिए तो क्या होगा, धीरे धीरे उसको ठंडा करना तो क्या होगा। देखिए होगा क्या, मैं बता दे रहा हूँ, वैसे अभी एक्टिविटी आप करेंगे नहीं, मैं बता ही दे रहा हूँ क्या होगा। देखो वी कैन
infer from the above activity that different substance in a given solvent have different solubility at the same temperature. ये ध्यान दे लीजिए आप. We can infer from the above activity that the different substance in a given solvent have different solubility at the same temperature. ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखिए एक चीज़ ध्यान देना कि ये वाला आप मुझे इसका आंसर करेंगे कि क्या होगा इससे, कि अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन ले लें और उसको धीरे धीरे ठंडा करें तो इससे क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट कुछ है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या करेंगे. एक एग्जांपल आप कर ही लेना कि एक ग्लास पानी लेना, उसमें चीनी घोलना स्टार्ट करना. इसके लिए मैं बता रहा हूँ ऊपर वाले के लिए, फिर इसको डिस्कस कर रहे अभी हम. चीनी लेना स्टार्ट करना, तब तक घोलना उस ग्लास में चीनी जब तक घुलना बंद ना हो जाए, और उसको गर्म वर्म नहीं करना, एक फिक्स टेम्परेचर लेना है, ठीक है ना. और उसके बाद उसको धीरे धीरे ठंडा करना है, ठीक है. देखिए क्या होता है, बताना एक बार. वी कैन इन्फर्म फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस इन ए गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट द सेम टेम्परेचर. कहने का मतलब ये है कि अगर सॉल्वेंट हमने ले लिया कुछ, है ना, और उसमें एक बार चीनी डाला, एक बार नमक डाला, तो हो सकता है चीनी ज़्यादा घुले या नमक ज़्यादा घुले, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हम बढ़ा नहीं रहे हैं, एकदम फिक्स टेम्परेचर रखा है, और एक बार चीनी डाल रहे हैं, एक बार नमक डाल रहे हैं, तो उसी टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे कोई एक ऐसा होगा जो ज़्यादा घुलेगा, कोई होगा जो कम हो घुलेगा, तो वही होगा. वही यहाँ दे रखा है कि डिफरेंट सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस लेते हैं जैसे चीनी, नमक, एट इन ए गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज, मतलब अमाउंट वो डिफर कर सकता है कि कितना मैक्सिमम घोला जा सकता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है ना. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज द अमाउंट, मास और वॉल्यूम. कॉन्सेंट्रेशन जो होता है किसी सोल्यूशन का, वो अमाउंट होता है. वो अमाउंट मास में भी हो सकता है, और वो अमाउंट वॉल्यूम में, मतलब द्रव्यमान भी हो सकता है. कहने का मतलब वेट भी ले सकते हैं, और सॉलिड भी ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं, ये कह लो आप यहाँ से, ठीक है. ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट, मास और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. कंसंट्रेशन किसी सोल्यूशन का वो अमाउंट होता है सोल्यूट का, जो उस सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना. कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट. किसी सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस पूरे सोल्यूशन में वही उसका कंसंट्रेशन होता है. बात समझ में आई? कितना सोल्यूट है किसी सोल्यूशन में. जैसे एक ग्लास पानी में एक चम्मच चीनी डाला मैंने, ठीक है, एक स्पून शुगर डाल दिया मैंने, तो इसका कंसंट्रेशन एक चम्मच है, दो चम्मच का दो चम्मच, मतलब वो वेट है, वेट ऑफ द सोल्यूट जो हमने घोला है वो कितना है, वही डिसाइड करता है कि उसका कंसंट्रेशन कितना होगा. अब उसको एक्सप्रेस करने के कई तरीके हैं. देयर आर सम वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन, बट हियर वी विल लर्न ओनली थ्री मेथड. अलग अलग तरीके हैं. मास बाई मास, मास बाई मास का मतलब ये हुआ कि सोल्यूट जो है, जो चीनी है, उसका भी हम द्रव्यमान लें, और नीचे जो सोल्यूशन ले रहे हैं उसका भी द्रव्यमान लें. जैसे एक किलोग्राम पानी ले लें और उसमें एक ग्राम या दस ग्राम शुगर डालें, तो ये भी ग्राम में और ये भी किलोग्राम में, मतलब दोनों मास में रहे. एक एक्सप्रेशन ये हो गया कि मतलब दोनों मास में रहे. ऐसे हम सोल्यूट का और सोल्यूशन का भी, क्योंकि इस कंसंट्रेशन ये बताया ना मैंने कि मास ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द मास ऑफ द सोल्यूशन, वही है कंसंट्रेशन, ठीक है ना. अब इसको मास से कर सकते हैं. अगला देखते हैं क्या है. मास बाय वॉल्यूम, मास बाय का है मतलब ये मास जो इधर बाएं लिखा हुआ, लेफ्ट साइड लिखा हुआ, वो ऊपर रहेगा मास, और जो नीचे लिखा वो सोल्यूशन का है. देखिए इस केस में मास बाय वॉल्यूम वाले केस में क्या है कि मास बाय वॉल्यूम मतलब सोल्यूट का मास ले रहे हैं और वॉल्यूम का, सॉरी, सोल्यूशन का वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है. मतलब इसको लीटर में ले लेंगे, इसको ग्राम में ले लेंगे, ये यहाँ हो रहा है. और लास्ट वाला है कि दोनों वॉल्यूम ले लें. तो कुल मिला के मतलब ये हुआ कि एक बार एम बाई एम का लेंगे मास बाई मास, एक बार एम बाई वी का लेंगे, और एक बार लास्ट वाला वी बाई वी का लेंगे. ऊपर केवल सोल्यूट का होगा जो भी होगा, नीचे सॉल्वेंट का. तो इस तरीके से कंसंट्रेशन हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है बेटा. तो इतना आप करें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे एग्जांपल 2.1 और न्यूमेरिकल्स एक्सेट्रा. ओके, थैंक यू बेटा.